वेलकम टू नॉट रेसिपीज फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे भटूरे कैसे बनाए जाते हैं जो कि छोलों के साथ खाए जाते हैं। ये एक पंजाबी डिश है, तो आइए देखते हैं भटूरे कैसे बनाए जाते हैं। ये मैं बनाने जा रही हूँ चार लोगों के लिए, तो उसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, आधा कप दही, 1 चम्मच सूजी, 1/4 टीस्पून नमक, 2 पिंच चीनी, 1/4 टीस्पून ईस्ट, 3 पिंच बेकिंग पाउडर, आधा कप सोडा वाटर, 2 टीस्पून ऑयल। सबसे पहले एक कटोरी में हमने ईस्ट को डालकर इसमें हल्का सा गर्म पानी जो है वो 3 चम्मच के करीब डालकर इसे घोल लेना है। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हमने अपना सारा मैदा डालना है। इसके बाद इसमें सूजी डालनी है और नमक, मीठा बेकिंग सोडा और चीनी डालकर इसमें हमने दही डालनी है। ये जो हमने ईस्ट पानी में घोल कर रखी थी उसे भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। अब सब चीज़ें मिलाने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हमने सोडा वाटर डालना है और इसे अच्छे से गूंदना है। ये देखिए इस तरह से फ्लफी हमारा आटा जो है वो अच्छे से स्मूथ गूंद गया है। इसे हमने 1 घंटे के लिए कपड़े से ढककर एक तरफ रख देना है। 1 घंटा हो चुका है। देखिए हमें भटूरे का जो हमने आटा गूंद कर रखा था उसमें देखिए कितना अच्छे से वो फ्लफी हो गया है। अब हम इससे अपने भटूरे बनाएंगे। भटूरों को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल डालना है और उसको तेज गरम करना है। गूंधे हुए आटे में से हमने इस तरह से थोड़ा सा आटा लेकर उसे हाथों से इस तरह से गोल गोल करना है। पेड़ा बनाने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगाना है दोनों तरफ इस तरह से, और फिर इसे हल्के हाथ से हमें बेलना है। इस तरह से हमें इसे ओवल शेप देनी है। तेज गरम ऑयल में हमें अपना भटूरा इस तरह से धीरे से छोड़ना है और हल्का हल्का इसे स्पैचुला के साथ, अपनी करछी के साथ दबाना है किनारों से ताकि ये फूल जाए। देखिए इस तरह से, और फिर इसे पलट देना है और गोल्डन होने पर, लाइट गोल्डन, इसे हमने घी में से निकाल लेना। ये लीजिए हमारे फूले हुए बहुत ही प्यारे गोल्डन कलर के साथ भटूरे जो है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन्हें आप छोले के साथ खाकर इनका आनंद ले सकते हैं। एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद इन हाउस रेसिपीज।